हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान जेल में रहे नेताओं को सरकार ने पेंशन देने का फैसला लिया है। हिमाचल मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल के दौरान जो नेता 15 दिन तक जेल में रहे हैं उनको ₹8,000 और 15 दिन से अधिक जेल में रहे लोगों को ₹12,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 1975 से 1977 तक देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोंटते हुए आपातकाल लगाया था। उस दौरान जो लोग जेल गए थे उन्हें सरकार ने ये राशि देने का फैसला लिया है। ये 2 साल पहले विधानसभा में बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। 1975 में उस समय के कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका स्टैचू यहाँ सामने है, उन्होंने देश में लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। रात के 12 बजे देश का संविधान सस्पेंड कर दिया था, आपके फंडामेंटल राइट्स समाप्त कर दिए गए थे। कोर्ट्स हों या प्रेस हो, आज जिस प्रकार से आप जो हैं वो मोबाइल पर भी बोल रहे हैं, 1975 से 1977 के बीच में जिस प्रकार की भी प्रेस जो है वो हिंदुस्तान में थी, वो बिल्कुल जो है वो उसको बंद कर दिया था, गला घोंट दिया गया था। जैसे अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग के समय जो है वो रॉलेट एक्ट लगाया था और प्रेस की आज़ादी पर जो है पाबंदी लगाई थी, उस प्रकार की पाबंदी जो है ये 1975 में लगाई गई थी। अंग्रेज़ों ने तो अपनी सत्ता संभालने के लिए जो है वो कानून बनाया था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने तो, क्योंकि हाईकोर्ट से उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था, उन्होंने जो है करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाई है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून को जो है वो फैसला दिया और 25 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी ने सारे हिंदुस्तान को जो है वो जेल में जो है परिवर्तित कर दिया गया था। उसमें हज़ारों लोग जो हैं वो जेलों में गए, बड़े बड़े नेता तो मीसा में अंदर गए जो 19 महीने तक जो है जेल के अंदर रहे, बाकी लोग जो हैं वो उनको बाद में किसी को 107-151 का ही बहाना बना करके अंदर कर दिया। फिर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लगा दिए गए, मतलब एक्सटर्नल अफेयर जो इमरजेंसी होती है तब लगते हैं ये, ऐसे समय में जो है वो उसमें लगा दिए थे। जो आज लोकतंत्र की बात करते हैं वो उन्होंने लोकतंत्र के इतिहास में, हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास में जो है वो लोकतंत्र की जो है वो हत्या कर रखी है, दे आर मर्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए उनको किसी भी प्रकार का जो है लोकतंत्र के बारे में बात करने का जो है वो अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे लोगों ने जिन्होंने सत्याग्रह किया था और उस समय जिसने इंदिरा गांधी नाम भी ले लिया अगर, तो उसको जेल के सीखों के पीछे डालने से पहले पुलिस के रिमांड में जो है वो थर्ड डिग्री जो है वो अपनाई जाती थी। ऐसे लोगों को सम्मानित करने में हिमाचल प्रदेश सरकार जो है बहुत देर हो गई है। ठाकुर जयराम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने बाकी प्रदेशों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में पहले कर रखा है, ऐसे ही जो है हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने सम्मान करने के लिए ये योजना बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।